शांति। आज की तारीख है 23/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी, एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की जो सेवा करते हैं, बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्तियां बताते हैं, उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुटा रहता है। गीत बजा है, कौन है पिता कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। नंबर दो, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की वधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं, जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।